आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली पर प्रकाश डालते हैं। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और जब ये थोड़ा बहुत छोटी रह जाती है और गहराई में चली जाती है इस तरीके से, तो व्यक्ति सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता। यानी कुल मिलाकर के अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने जीवन की ऊंचाइयों में उसको ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो कौन सा चूज करे, और उसमें फिर वो ठहराव रूप से रह नहीं पाता है। कोशिश तो बहुत करता है, उंगली खुली हुई है सूर्य से, तो कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो चाहता है वो उसका होता नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पूजा पाठ में बताऊंगा, आखिर में वो कर लेना तो उससे अनुकूल हो जाएगी स्थिति। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, यश और मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली जानी जाती है। यहाँ पर उंगलियों को मिलाने के बीच में ये गैप भी आ रहा है। जब इस प्रकार का गैप आ जाता है तो व्यक्ति चाहकर भी जैसा अपने हिसाब से चाहता है, माता पिता की सेवा करना, शनि और सूर्य की उंगली का जब ये गैप मिलने के बाद रह जाता है तो व्यक्ति अपने अनुसार उनकी सेवा नहीं कर पाता जिस स्तर की वो सोच रखता है। तो यहाँ इस प्रकार से जहाँ तक उंगली का सवाल है, बृहस्पति की उंगली से नीचे है सूर्य की उंगली, यानी पिता से ज़्यादा आपका नाम, आपका सम्मान समाज में नहीं हो पाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है, ऐसा तो नहीं लगता दिखने में कि कहीं भी किसी भी प्रकार से आप किसी को यदि धन दे दें और धन देने के बाद लौट कर नहीं आए, यानी कि वर्तमान के अंदर ये रेखा अगर हाथ की उंगली पर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे आप ये समझ चुके हैं कि किसी को धन नहीं देना है, लौट कर नहीं आएगा। अब आप वो समझ आपको आ चुकी है, वो पिछले समय में यहाँ पर कुछ रेखाएँ होंगी जिसके कारण आपने पैसा अपना किसी को दे दिया होगा। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ अच्छी है। जब इस प्रकार से बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी होती है तो व्यक्ति को कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम बीतने के बाद में अपने आप में ज़्यादा बुद्धि की तरफता बढ़ती है। तो यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो यहाँ उसके बाद आपका पता लगेगा कि जो है आप कितना आपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत जहाँ उंगली ज्ञान की ठीक नहीं थी कनिष्ठा, तो वहीं आपके बुध पर्वत की यदि बात करूँ तो बुध पर्वत पर वो इतनी शार्प रेखाएं नहीं खड़ी हैं। इस तरह की डार्क रेखा जैसे मैंने खींची है, इस तरह की जब व्यक्ति के पास डार्क रेखाएं होती हैं तो उसके बाद धन के आगमन निश्चित रूप से अच्छे बने रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ अभी वो रेखाएं नहीं खड़ी हैं जिससे मैं कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर आपको धन के अच्छे आवक हैं। यहाँ थोड़ा दिखलाई पड़ती है तो ये धन के आवक हैं, और इसकी और गहराई बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा अच्छे धन के आगमन। परंतु यहाँ पर्वत सम है, स्थिति कुछ भी है, धन के आगमन आपके पास निरंतर ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि आदमी आराम से घर में बैठ करके अपना जीवन यापन कर सकता है। आइए सूर्य की पर्वत को देखते हैं। सूर्य का पर्वत यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है, और यश मान सम्मान की उंगली को यदि मैं देखूँ तो यहाँ अनुकूल है। और इसके अलावा यदि आप अपनी आयु में कोशिश करते तो सरकारी उपक्रम से जुड़ सकते थे, सरकारी उपक्रम से लाभ उठा सकते थे। परंतु आपका एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आपने कहा कि पिताजी का ईंट भट्टे का व्यापार है, जब से व्यापार किया है तब से बैंक का कर्ज ही कर्ज है, क्या मैं व्यापार छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ईंट का काम, अग्नि का काम, ईंट का काम, बिजली की दुकान, ये आपके काम बनते हैं। अग्नि का काम, बात यह है कि आप इसकी गहनता में नहीं पहुँचे हैं, या तो या फिर ईश्वर की इच्छा नहीं है, आपकी दशा अनुकूल नहीं आई है, या आप इस कार्य से भक्त हैं। तो कुल मिलाकर के ये काम तो आपको छोड़ना ही नहीं है। शनि आपका यहाँ, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में है अगर आप इसके कार्यों को पकड़ेंगे, यानी अग्नि के काम। हाँ, यदि आपके साथ में ब्रेकरी का काम जोड़ सकते हैं, यहाँ ये सर्फ का काम, सोप का काम, जूस का काम, ये कोई काम नहीं बनता है। आप बिजली की दुकान कीजिए, आप इलेक्ट्रिक की दुकान कीजिए, आप सरकारी बिजली के ठेके लीजिए, कोई भी आप ब्रेकरी के द्वारा, अग्नि के द्वारा जो ब्रेकरी के काम बनते हैं उनके द्वारा करिए, और ईंट भट्टे का काम करिए, ये आपके काम बनते हैं। आप भटक रहे हैं दूसरे कार्यों की तरफ जिसमें आपको लगातार असफलता का प्राप्त का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के
यहाँ सूर्य अनुकूल निकला। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि पर्व की। शनि का पर्व और बड़ी ही अनुकूलता से यहाँ पर रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है, यानी 55 वर्ष के बाद जीवन के अंत समय तक कभी भी आपके पास में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, आप पे किसी का कार्य होगा। सब तरह की संपन्नताएँ 55 वर्ष के बाद आपके बाद में होंगी। आइए बात करूँगा मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर जब ये मंगल रेखाएँ यहाँ से एकदम रेखा इस तरह खड़ी हो जाती हैं और पर्वत अनुकूल होता है तो व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति के पास स्वयं का घर का मकान भी होता है, तो ये भी अपने आप अनुकूल पर्वत आपका निकला। अब मैं हृदय रेखा की बात कर देता हूँ। हृदय रेखा और अब यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी रोग के लक्षण यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ पर्वत में से ज़्यादा रेखाओं का जो मिलना है वो शनि पर्वत की तरफ है, तो ये बात को मैं जरूर कहूँगा कि आप अपने चरित्र के प्रति सावधानी रखें। आप अपने आप में इस प्रकार का जरूर नियंत्रण रखें कि आकर्षण के प्रति जाकर के या किसी से मतलब के प्रति प्रेम करके अपने काम को निकालने की प्रवृत्ति को छोड़ दें। तो यहाँ कुल मिलाकर इस प्रकार से हृदय रेखा का फल है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और यहाँ से ये रेखाएं होती हैं, जितनी ज़्यादा होती हैं सब ठीक ठाक हैं आपके हाथ के अंदर। जितनी ज़्यादा ये रेखाएं होती हैं उतना व्यक्ति में संघर्ष करने की सामर्थ्य ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर ये ठीक ठाक आपके पास रेखा है, आप संघर्ष करने की ताकत आपके पास में मौजूद है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है। मंगल का द्वितीय पर्व, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्फोट नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से कहीं भी कोई जमीनी कार्यों के द्वारा यानी कि आपको झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का इस तरह का योग यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। बात करूँगा आपकी मस्तिष्क रेखा की। देखिए मस्तिष्क रेखा पहले उठ करके इस तरह से चली और इसमें से एक रेखा निकल करके ऊपर चली गई और फिर ये नीचे की तरफ जा करके, यानी कि कुल मिला करके यहाँ जहाँ ये टूटने वाली बुद्धि रेखा आपकी दिख रही है, ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आपके में ठहराव नहीं लेने देती, बुद्धि का ठहराव नहीं देने देती। और ये आयु का फैक्टर है, यहाँ पर लगभग 10, 20, 30 बिल्कुल आप जिस उम्र में चल रहे हैं 32 से लेकर के 34 वर्ष तक, इस समय आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है अपने आप में, कोई गलत डिसीजन ना ले लें, इस प्रकार का ध्यान रखना है। साथ ही साथ पत्नी से कोई झगड़ा झंझट ना करें, ये भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा पत्नी से भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इस प्रकार की जगह, और साथ ही साथ इस समय आप बहुत ज़्यादा माइंड से व्यथित हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए उसमें कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की आपकी बुद्धि रेखा का लक्षण है। अब मैं बात करूँगा आपकी सीधा सीधा यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यहाँ आपका अनुकूल निकला, तो जब चंद्र पर्वत अनुकूल निकलता है तो एक बात पक्की हो जाती है कि व्यक्ति डीजल का काम करे, पेट्रोल पंप का काम करे, दूध का काम करे, जल का काम करे, और आपने एक काम कहा जूस का काम करे, तो सोप का नहीं बनता, सर्फ का नहीं बनता, जूस का काम यदि आप करना चाहें तो जूस का काम, दूध का काम, डीजल पेट्रोल पंप का काम, इस तरह का काम भी आप साथ में कर सकते हैं वो सूर्य के काम के साथ साथ। तो ये यहाँ अनुकूल है। मानसिक डिप्रेशन कुछ नहीं, मानसिक रोग कुछ नहीं मिलेंगे आपको यहाँ दिखलाने वाली स्थिति। साथ ही साथ ऐसी कोई रेखा नहीं है जो दूर देश से जा करके आपको संबंध करके आपको अपने जीवन में तरक्की दिलाए, तो ये भी यहाँ पर है। व्यापारिक रेखाएँ हैं, टूट टूट करके व्यापारिक रेखाएँ हैं, बहुत सोच समझ करके आपको चलना होगा, बिल्कुल एक एक कदम फूंक कर रखना होगा, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ये मैंने पहले बुद्ध के पर्वत से बताया। तो अभी वो रेखा नहीं आ रही है जो ये बताए कि आपके जीवन के अंदर आप जो है बहुत व्यापार में तरक्की कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो चलिए ये हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सवालों की, फिर भाग्य रेखा को भी साथ के साथ पढ़ता रहूँगा। पहले बता देता हूँ भाग्य रेखा मणिबंध से चल रही है। जब व्यक्ति की मणिबंध से भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है, तो परिवार से मजबूती की भाग्य रेखा यहाँ चलती हुई, और जहाँ आपकी 33 की एज है उससे पहले लगभग 31 पर एक राहु रेखा ने यहाँ पर इसको काटा है। ये तो 27वां वर्ष है और ऊपर 31 है, ये 31वें वर्ष के बाद आपके जीवन में नुकसान की शुरुआत हुई होगी 30 से 31वें वर्ष में, और जो अभी भी कुछ हल्के रूप से बनी हुई है, आगे भी बहुत काफ़ी संघर्ष सताती है, लेकिन दूसरी भाग्य रेखा शुरू हो गई है, यानी वर्तमान तक जो काम है
उसका कुछ ना कुछ फेरबदल आपके जीवन में बहुत जल्दी करेंगे और उससे आप तरक्की करेंगे, ये सहायक रेखा इस बात को बताती हैं। तो चलिए, यहाँ आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पिछले समय में कुछ प्रॉपर्टी बिक गई हो या मोटा धन आपका, हाँ जैसे आप बोलते हैं कि धन रुकता नहीं है, कोई ले जाता है जल्दी से देता नहीं है, ऐसी स्थितियाँ पीछे स्थिति बनी हुई थी, अब आगे नहीं बनेंगी वो, ये समझ में आता है। तो चलिए, ये रेखा यहाँ से निकल करके मंगल क्षेत्र से जाकर के बुध पर्वत को जा रही है, यानी कुल मिलाकर आप साहसिक आदमी हैं और साहस से धन कमा सकते हैं। आपके सवाल पर जाता हूँ, मेरा पैसा रुकता नहीं है, डूबता है और उधार जल्दी आता नहीं है, तो ऐसा हमेशा ज़िंदगी में चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा हमेशा ज़िंदगी में, क्योंकि अब वो स्थिति आपकी आ चुकी है कि अब आपके पास वो पैसा इतना नहीं बचा है कि आप किसी को दे दें। अब आपका ध्यान इस बात पे है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वयं के काम बिगड़ जाए। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति, साथ ही साथ व्यापार में जो पैसा है उसके लिए मैं बताऊँगा किससे उसमें वृद्धि होगी, और आपका जो अटका हुआ पैसा है उसके लिए आप क्या करें वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ आपका हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। अपना मकान होगा कि नहीं और कब, ये पूछा है आपने दूसरा सवाल। तो चलिए, मैं मकान के बारे में बताता हूँ। यहाँ मुझको लगभग 51वें वर्ष में ऐसे लगता है कि आप कोई बहुत अच्छा खासा भवन बनाएंगे। तो 51वें वर्ष में अच्छा खासा भवन बनेगा, उससे पहले कोई छोटा मोटा बन सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी के बारे में पूछा आपने, तो यहाँ हेल्थ का अभी यहाँ पर कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा, अभी हेल्थ यहाँ पर आपकी ठीक ठाक चलती हुई है। बस थोड़ा सा मस्तिष्क डिसीजन पर ध्यान रखना है, इसे उल्टा सीधा काम करके आप माइंड टेंशन ना ले लें, बीपी जैसा काम ना ले लें। तो बिजनेस के बारे में बताई चुका हूँ, नौकरी से लाभ या व्यापार से लाभ, जहाँ तक सवाल है आपका कहा व्यापार से लाभ या नौकरी से लाभ। देखिए, इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो यदि कोई आपको नौकरी मिल जाती है तो मैं पहले आपको कहूँगा कि आप जो है उसको करें, और दूसरी यदि आप कहते हैं उससे तो मैं कहूँगा जो पिता का काम है उसी काम को दोबारे से, तो सबसे पहले उस व्यापार की शुरुआत करें, किसी नए व्यापार की जगह उसको दोबारे से खोजें और उसकी गहराई तक जाएं कि कहाँ ऐसा है जिसकी वजह से कहीं मेरा चोरी तो नहीं हो रही है मेरे काम में, या कुछ और बात तो नहीं हो रही है, उस पर आप ध्यान करें और उसके बाद आप उसमें ही विजय प्राप्त जल्दी करेंगे। किस व्यापार से अच्छा काम, मैं बता ही चुका हूँ आपको। किस उम्र में मेरा अपना व्यापार और तरक्की होगी, जहाँ तक बहुत अच्छी तरक्की की बात है, अभी आपको लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 से 3 साल और करना पड़ेगा प्रयास। ईश्वर करे जो मैं आपको पूजा पाठ बताऊं उसके भी 9 महीने में फल आने लगते हैं अगर आप वो पूजा करेंगे। यहाँ अगर आपने वो पूजा नहीं करी तब तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से 33 और हो सकता है आपको काफ़ी समय लग जाए, कम से कम 4 साल लग जाए, तो उसको स्थिर करना होगा आपको पूजा पाठ के द्वारा। पैतृक संपत्ति के अलावा मैं अपने दम पर कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, अपने दम पर आप कर पाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन अभी आपको समय लगेगा। क्या कर्ज हमेशा रहेगा या कभी कर्ज मुक्त हो पाऊंगा? सवाल ये नहीं है कि ये हाथ कर्ज वाला है, सवाल ये है कि ये जो कर्ज है आपने जो पहले ले लिया, अब उस कर्ज को ना लें। थोड़ी सी रेखा यहाँ पर है, कर्ज मुक्त तो आप हो जाएंगे और निश्चित रूप से वो आपके जीवन में 50 वर्ष के बाद कोई कर्ज नहीं होगा, 49 से 50 के बाद में। लेकिन व्यापार के लिए अगर कोई कर्ज लिया जाता है तो उसको कर्ज नहीं कहते। तो व्यापार के लिए कोई कर्ज लें तो उसकी चिंता ना करें वो, और वैसे भी कर्ज मुक्त तो आप हो ही जाएंगे, मैंने बताई दिए जब आपको। पारिवारिक ज़िंदगी कैसी रहेगी, अपने आप को टेम्पर्स परिवार को अगर सही रूप से रखना है तो अपने ऊपर अंकुश रखें दिमाग पर, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना करें जिससे आपको पारिवारिक कष्ट का सामना भी करना पड़े। तो चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब बताया मैंने, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ यदि देखता हूँ तो बहुत सारी यहाँ रेखाएँ अनुकूलता के साथ में हैं और पैतृक संपत्ति के हिसाब से मंगल रेखाएँ भी हैं, तो ठीक ठाक आपके पास संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक ठाक, बहुत अच्छे नहीं। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में, आयु रेखा, और बिल्कुल यहाँ अनुकूलता के साथ में आपकी आयु रेखा 74-75 वर्ष की आयु भी रेखा भी आपके हाथ के अंदर है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये वो रक्षा कवच रेखा है, मंगल रेखा, जो आपके जीवन में आपका सहयोग करेगी। लगभग जिस उम्र से आप चल रहे हैं यानी कि 33 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष तक सभी मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी आपको ये मंगल रेखा।
तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया, मैं बताने वाला हूँ आप क्या करें जिससे आपके जीवन के अंदर आपके पास धन के आगमन बढ़ जाए, आपका सुचारू रूप से काम चल पड़े और आपका कर्ज लौटे। तो देखिए, नंबर एक, आपको बेहतरीन पन्ना इस उंगली में पहनना होगा। एक बेहतरीन पन्ना इस उंगली में पहनिए सबसे पहले, ठीक है? और यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको सैंपल देख करके पहुँचा सकता हूँ। और साथ ही साथ पूजा में रोजाना, सबसे पहले पूजा में रोजाना अर्घला स्रोत्र पढ़ना है आपको। अर्घला स्रोत्र पढ़ें रोजाना पूजा में, और उसके बाद लिंगाष्टकम पढ़ें। उसके बाद इन दोनों को करने से धन के आगमन, मुसीबतें सब हट जाएंगी। साथ ही साथ अपना पैसा यदि आपको वापस चाहिए लोगों से, तो उसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, साथ ही साथ बेसन के 4 लड्डू रखें और वहाँ 7 बार बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ें। तो बस इतना करें और अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।